नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमारे हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न। दोस्तों, आज शुक्रवार है। आज के दिन का जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, दोस्तों ये उपायों का राजा है। आप सबने सुना होगा दोस्तों, श्रवण का पेड़ बिल्कुल पीपल जैसे ही इसके पत्ते होते हैं। जितना पुण्य आपको पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान श्री हरि की कृपा जितनी आपके ऊपर उतरती है, उतनी ही कृपा आपको श्रवण के पेड़ की पूजा करने से माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा उतरती है। आज का जो उपाय बता रही हूँ दोस्तों, ये उपाय आप करके देखे शुक्रवार के दिन, पूनम के दिन या अमावस्या के दिन, तेरस के दिन, रिजल्ट दोस्तों बहुत जबरदस्त आएगा। और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जानकारी जितनी हो, जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा फैल सके। किसी ना किसी का तो भला हो ही जाएगा और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको श्रवण का पत्ता लेना है। श्रवण का पेड़ ऐसा होता है जिसको अपने दरवाजे में लगाने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। हमारे यहाँ गुजरात में तो श्रवण का पेड़ बहुत घरों के दरवाजे पर लगा दिया जाता है और इसकी छाया भी जहां पड़ती है, इस पेड़ की छाया भी जहां होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। इस पेड़ की एक छोटी सी लकड़ी भी यदि काट करके आप अपनी तिजोरी में रखते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। शुक्रवार के दिन दोस्तों मीठा जल अवश्य ही श्रवण के पेड़ पर आप चढ़ाएं। थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य ही चढ़ाएं, दूध थोड़ा मीठा कर लें। कुछ ही शुक्रवार दोस्तों आप चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी आप पर बरस पड़ेगी। घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। शुक्रवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूनम के दिन, तेरस के दिन, किसी भी एक दिन दोस्तों आप अनार के रस से, अनार के फल का आपको रस निकाल लेना है और उससे आपको इसके तने पर ओम श्री श्री नमः इस मंत्र को 21 बार लिख देना है। जो लोग इस पेड़ के तने पर ना लिख पाए वे लोग इसके पत्ते को ले आए, धो करके साफ कर ले। ये पत्ता ही इतना अच्छा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल पीपल के पत्ते की तरह ही होता है। ऊपर का हिस्सा चिकना होता है और नीचे का जो हिस्सा है उसके भी गजब की चमक होती है। आपको उसके ऊपर अनार के फल का जो रस होता है उससे 21 बार इस मंत्र को लिख लेना है। इसको पूजा स्थान में रख करके आपको धूप दीप दिखा देना है और उसके बाद इसको उठा करके आप अपनी तिजोरी में दबा करके रख दे। जहां आप धन रखते हैं, गहने रखते हैं, वहां इस पत्ते को दबा करके रख दे। दोस्तों, ये पत्ता जब तक वहां रखा रहेगा आपके घर से लक्ष्मी कहीं जानी नहीं है। हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। ये पेड़ ही अपने आप में, मैं यूं कहूं कि लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। जहां भी ये पेड़ लगा होता है हमेशा माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती है। तो आप कोशिश करें दोस्तों, घर के गमले में भी, जिनके घर में, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, गमले में इस पेड़ को लगा दें। भले छोटा रहेगा, आप उसकी नित्य ही पूजा करें, स्पेशली शुक्रवार के दिन अवश्य आप इसकी सेवा पूजा करें। घर में कोई भी व्यक्ति बिना नौकरी धंधे का रहेगा ही नहीं, सबकी नौकरी लगेगी और अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज। मैंने जहां भी देखा ये पेड़ लगा है, लोग पैसों में खेल रहे हैं। आप भी दोस्तों इसका जरूर फायदा उठाएं। जैसे मैंने कहा है, इस उपाय को अवश्य ही करें और कोशिश करें इसको अपने घर में ही लगाने की, घर की उत्तर दिशा में लगा दें, लक्ष्मी बरस पड़ेगी। करके देखिए, करते रहे, खुश रहे, जय श्री कृष्ण।